गुड इवनिंग एवरी वन हाउ आर यू पीपल आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर का फाइनली हम एंड करेंगे सो इट्स अ हैप्पी डे भूपेंद्र पाल पता नहीं कब आपने मैसेज किया है हाय अनुज मैम 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 आ गई गाइज सो Today, we are going to complete this chapter. So, make sure that if you people have not seen the previous videos, you must go and see them. Acha! By the way, just talking about the videos before. Uh, ha. Hi, Vaishnavi, Onkar, Rohit. Good evening, everyone. I am very well. Hmm. Nisarg. वॉट इज दिस वैष्णवी जी ओके हाँ तो गाइज आई होप अभी आप लोग सिलेबस को लेकर क्लियर हो मोर और लेस है ना तो लेट्स नॉट डिबेट ऑन द सिलेबस टूडे पहले ही बता रही हूं आज हम सिलेबस पे कोई डिबेट नहीं करने वाले ओके यस न सर्ग वेरी वेरी गुड इवनिंग आई एम आई एम वेरी वेल आई एम डूइंग गुड गाइज क्विकली शेयर क्विकली शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दर्ज कैन स्टडी दिस टॉपिक टुगेदर क्योंकि आपको पता है भाई इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है पिछले क्लास में हमने देखा था ना जब ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पढ़ाया था वेयर एन <laughs> बीना मैम ने दिल नहीं दिखाया निसर्ग बीना मैम ने नहीं दिल दिखाया बीना मैम ने इंफॉर्मेशन दी ओके okay? टेलीविजन <laughs> हाँ. okay, so क्या नाम है <laughs> हाँ ओके हाँ जी तो आपको पता है कि इस ड्रग्स एंड अल्कोहल के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है जितना मजा हमें इस टॉपिक को पढ़ने में आता है जितनी क्यूरियोसिटी से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं एक्चुअल लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना इज नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट फॉर योर साइकोलॉजी फॉर योर फिजियोलॉजी एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ ओके निसर्ग ऐसा कुछ भी नहीं है गुड इवनिंग हाँ ओके प्रतीक गाइस क्विकली क्विक व्हाट डिड यू डू मैनी का ओके <laughs> <Okay>, अच्छा ओके गॉट इट आई टाइग लाइक गस एग्जैक्टली गाइस क्विकली शेयर द वीडियो लिंक विथ योर फ्रेंड्स एंड मैम सिनेमा में वर्कोकार दिखाते हैं फिर भी लोग नहीं छोड़ते <laughs> अच्छा हाँ बेटा यही तो प्रॉब्लम है निसर्ग आई एम वेरी वेल साहिल गाइस क्विकली जल्दी जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर करो और जल्दी से इस वीडियो के वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब लोग ओके okay? हाँ बिल्कुल क्लास इन लैपटॉप वट अबाउट दैट क्लास अच्छा 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 ओके अच्छा हाँ आई गेस आई आई टोल्ड यू ना आई गॉट इट हाँ हाय अजीम हेलो ओके गायज़ हाउ मैनी ऑफ यू सीरियसली रीड एनसीआर टी रेजयो हैंड्स आप में से कितने लोग सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ते हैं साहिल आज फिर ड्रग्स क्योंकि बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का कि बेटा दो क्लास लगेंगे पिछले क्लास में मैंने आपको सारे मेजर ड्रग्स पढ़ाए आज टोबैको अल्कोहल और क्या इफेक्ट्स होते हैं कैसे हमें किसी की हेल्प करनी है ये सारी चीज़ें बताऊंगी हम्म, अच्छा वैष्णवी निसर्ग अजीम वसुधा अनुज कह रहे हैं उदय भी कह रहे हैं मेनिका गायत्री ओके ये सारे लोग कह रहे हैं कि आ, <laughs> कि ये एन पढ़ते हैं साहिल भी अंजलि भी गुड निसर्ग मैं मेंटी में टफ में क्वेश्चंस डालती हूँ <laughs> ऐसा नहीं है ना सर टफ नहीं होते वो क्वेश्चंस बस यही तो होता है यार नीट एग्जाम में देखो कुछ क्वेश्चंस जो है वो एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन होती है कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी जो है आ, वैसे होते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है बट डायरेक्ट नहीं है तो वो थोड़ा हमें समझना पड़ता है मैम यू ब्रिंग नो नो नॉट एट ऑल सर नॉट एट ऑल ओके ओके प्रतीक गॉट इट डॉक्टर मेसी ओके शाहिद अच्छा गाइज ओके मैम हमको चाहिए एनसीआरटी की लाइन से मेंटी क्विज निसर ऐसा नहीं होता ना बेटा क्विज़ेस आर क्विज़ेस बेसिकली गिव यू एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आज तो बेटा हमेशा एनसीआरटी की लाइन से सवाल नहीं आता है समझे एनसीआरटी पे बेस्ड होता है ओके okay, हाँ बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट टेल यू वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टूडे एंड हमेशा चैप्टर के कंप्लीशन पे क्या होता है जबी भी, भी मैंने कोई चैप्टर खत्म किया है क्या होता है उसके बाद अगली क्लास में हुँ? जल्दी से बताओ क्या होता है जिस दिन भी चैप्टर खत्म होता है उसके आ, अगली क्लास में क्या होता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेंटी क्विज तो मेंटी क्विज अब कब होगा नेक्स्ट जब मैं ऑनलाइन आऊंगी फ्राइडे 9 पीएम पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपने देखा ना सीबीएसई से भी इसको नहीं हटाया है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओके तो इसीलिए हम लोग इसका मेंटी करेंगे मेंटी क्विज होगा फ्राइडे को रात के नौ बजे यूट्यूब पे ही ओके हम्म <laughs> ओके रट्टू बच्चे रट्टू तोते अरे ऐसा नहीं होता है निसर्ग काफी लोग समझ के भी पढ़ते हैं डिपेंड्स देखो अभी फिलहाल आपको सारी चीजें पढ़नी है तो इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है ताकि जब आप डॉक्टर बनो तो आपको पता हो कि बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है क्या होता है बेसिक फंक्शन क्या है ठीक है चलो तो अब हम शुरू करते हैं लास्ट क्लास में यस लेट्स स्टार्ट इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द मेजर ड्रग्स दैट आर अब वॉट आर द मेजर ड्रग्स दैट आर अब क्विकली आई विल आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टूडे हा yes ma'am varna <laughs> hmm. okay quickly tell me the three major drugs that NCERT mentions that are being abused three major drugs no nisarg the category tell me the category to which they belong good evening Aryan no nisarg no nahi hello Aryan koi bhi uh, 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 no it's not a drug uh, sahil alcohol is not a drug चलो कोई नहीं हाँ कैन थैंक गॉड कैन अबिनॉयड एंड कोका एल्कॉयड्स दीज आर द थ्री मेजर ड्रग्स दैट आर बीइंग अब्यूज अच्छा यू ऑल्सो नो आई टोल्ड यू दैट सम ड्रग्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज लाइक मॉर्फिन इज वन ऑफ द बेस्ट पेन रिलीवर है ना कुछ ड्रग्स जो हैं हाय विश्वजीत हाय Uh, 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 um, hmm, जी हाँ तो जैसा कि मैंने बोला कुछ ड्रग्स जो हैं उनका मेडिसिनल यूज भी है जैसे मॉर्फिन इज यूज एज एन एनल जैसे किट इज अ वेरी वेरी गुड पेन रिलीवर एंड इट इज गिवन टू दोज पेशेंट हुन सर्जरी पोस्ट सर्जरी दी जाती है पेन काफी होता है उसको रिलीव करने के लिए बाबी एंड बेंजोड एंड या आर चुरे टू पेशेंट्स टू

धतूरा कहाँ से आया हाँ धतूरा हेल्यूसिनोजेन है हाँ कोकेन स्टिमुलेंट है जल्दी से बताओ सेजर हाय यस yes, करेक्ट गायत्री वेरी गुड एलएसडी एलएसडी इज द मोस्ट पोटेंट हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग ओके तो हेल्यूसिनेशन क्या होते हैं ऑल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी आपको लगता है यार ये चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन एक्चुअली में नहीं करती है ना हम्म चलो तो अब हम शुरू तो बेसिकली ये कुछ चीजें मैंने पिछले क्लास की आपको बता दी हैं लेट्स नाउ जस्ट स्टार्ट द टॉपिक वेयर इन टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट अबाउट टोबैको ओके तो देखो जी आयोडीन आयोडीन बेटा हाउ कम आयोडीन हाँ आयोडीन कहां से आया इसमें आई वॉन्ट नो नो आयोडीन कहां से आया <laughs> अच्छा गाइज देखो ये देखो आप लोग ये क्या है ये टोबैको प्लांट है टोबैको प्लांट हेलो 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 एवरीवन हेलो 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 टोबैको प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है निकोटियाना टोबैकम इस टोबैको प्लांट से एक एल्केड हम डेराइव करते हैं निकोटीन ओके दिस निकोटीन ओके दिस निकोटीन इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एड्रनलिन एंड नॉर एड्रेनिन एंड एज यू नो दीज टू हार्मोन्स एड्रनलिन एंड नॉर एड्रलिन ये क्या है ये आपके इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं है ना दीज आर इमरजेंसी हॉर्मोन्स और जभी भी इमरजेंसी हॉर्मोन्स रिलीज होगा योर रेस्पिरेशन रेट योर हार्ट रेट योर ब्लड प्रेशर ऑल ऑफ दिस विल इनक्रीज एंड ऑब्वियसली यू विल स्वेट अलॉट परस्पिरेशन बहुत ज्यादा होगा स्ट्रक्चर लर्न करना नहीं प्राची एज आई सेड एज आई सेड मॉर्फिन और कैनाबिनोड का स्ट्रक्चर दिया है एनसीईआरटी में उसको बस यू मस्ट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज देम सो दैट इफ सम टाइम्स इट डज कम एज मैच ऑफ द फॉलोइंग इन इन मैचिंग क्वेश्चन सो यू मस्ट नो हाउ टू देम दैट सेट ओके चलो हाँ आई हाँ रूशी काम डाउन ब्रीद ओके इग्नोर आप 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 मेरे पे फोकस रखो आप क्लास पे फोकस रखो ओके ऋषि चलो सो दे आर इमरजेंसी हॉर्मोन्स ये सारी चीजों को बढ़ा देंगे फर्स्ट सेकंड दे इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन योर ब्लड सो यू नो दैट योर हीमोग्लोबिन हैज 250 टाइम्स मोर अफिनिटी फॉर कार्बन मोनॉक्साइड दैन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनॉक्साइड के लिए टू फिफ्टी टाइम्स ढाई सौ गुना ज्यादा है ऑक्सीजन का कंपेरिजन में तो ऑब्वियसली अगर ब्लड में निकोटीन होगा तो क्या होगा कार्बन मोनॉक्साइड बढ़ेगा और कार्बन मोनॉक्साइड बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन किसको चुनेगा कार्बन मोनॉक्साइड को विच मीन्स आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन डेफिशियंसी होगी आपके टिश्यूज में अल्टीमेटली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करेक्ट कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा इट इज ऑब्वियसली लीथल ऑक्सीजन इट विल लीड टू ऑक्सीजन डेफिशियंसी है ना नेक्स्ट व्हाट आर द मोड ऑफ इनटेक हाउ कैन वन यू नो एब्यूज टोबैको द वेरी फर्स्ट इज इट इज स्मोक्ड इट इज नफ्ड स्नफ का मतलब बेसिकली जस्ट टू स्टफ इट इन द नोज एंड इट इज ऑल्सो च्यूड तो आप लोग आपने देखा होगा कई लोगों को आपने देखा होगा कई लोगों को नो नॉट इंजेक्ट बेटा टोबैको को इंजेक्ट नहीं करते बेटा टोबैको को इंजेक्ट नहीं करते टोबैको इज नॉट इंजेक्टेड ओके स्नॉट भी नहीं, नहीं स्नोट भी नहीं करते एक सेकेंड गाइज रुको ओके दिस इज फाइन चलो ठीक है हम्म हाँ जी तो स्मोक कर सकते हैं स्नफ विच इज टू यू नो स्नफ इट इन द नोज एंड इट कैन ऑल्सो बी च्यूड ठीक है तीन मैकेनिज्म वाई आर द टीथ ब्लैक बेटा ऑब्वियसली ना अफेक्ट सब पे करता है ठीक है मेनी केमिकल्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द इनामल ओके नाउ लेट सी द इफेक्ट ऑफ टोबैको तो बेसिकली इफेक्ट आपने मूवी मूवी थिएटर जाते थे जब लॉकडाउन नहीं था मूवी देखने जाते थे मूवी से पहले ऐड आता था दो का पहले महेश जी का एड आता था और दोबारा आंटी का आता था कितने लोगों ने वो एड देखा है हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन क्या मैम नेट एस वर्ड्स क्लियरली आई कैन ओनली ओके मैंने कहा ओके okay. ओके okay, बेटा अब अगली मैंने कहा जस्ट वॉच इट अगेन व्हाट एल्स कैन आई से ओके सो एडी व्हाट इज एडी व्हाट वेयर वेर इज एडी वेयर वेर इज एडी देयर इज नो एडी ओके एनीवेज़ सो क्विकली टेल मी हैव यू सीन दोज एड्स एडवर्टीजमेंट्स गाइज एडवर्टीजमेंट्स वो पहले महेश का एडवर्टिजमेंट आता था और दोबारा वो आंटी का आता है जिनका यहाँ से बिल्कुल कटा हुआ है देखा है हाँ कि थिएटर जाते ही नहीं थे एडवर्टीजमेंट एग्जैक्टली exactly, हाँ एडवर्टीजमेंट विच एडवर्टीजमेंट जस्ट बिफ वेन यू यू नो गोट फॉर अ मूवी इन द थिएटर देर आर एड्स अगेंस्ट दैट पर्सन शुड नॉट स्मोक और च्यू टोबैको हैव सीन दैट एड हाँ देखा है ना hmm? तो बस उसमें क्या देखा है आपने इट लीड्स टू ओरल कैंसर It can lead to larynx cancer, esophagus cancer, lung cancer, inflammation of bron uh, bronchi, emphysema, uh, ulcers in the stomach, cancer in the pancreas, urinary bladder cancer, myocardial infarction, which is nothing but heart attack, and also blockage of systemic arteries. हर तरफ है धुआं धुआं हाँ यही वाला यही वाला हर तरफ है धुआं धुआं ये लोगों को क्या हुआ ऐसा कुछ आता है ना सरकारी एड हाँ मुकेश अंकल को देखा है ना महेश मुकेश कुछ तो नाम था वही वाला है ना तो सी टोबैको कॉजेज अ वाइड रेंज ऑफ कैंसर इट कैन ऑल्सो कॉल्ड कॉज एम्फाइसेमा यू ऑलरेडी नो स्मोकिंग कॉजेज एम्फाइसेमा एम्फाइसेमा इज डिक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ एलव्योलाई एंड देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज अफेक्टेड यस इतना कुछ हो जाता है टोबैको से बिल्कुल बिल्कुल ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज नथिंग बट हार्ट अटैक उसके अलावा सिस्टमिक अथेरोस्लैरोसिस बेसिकली ब्लॉकेज ऑफ द सिस्टमिक आर्टरीज ओके जी चलो सो दिस वॉज अबाउट टोबैको फ्रॉम विच प्लांट निकोटीन इज एन एल्केलाइड दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ इमरजेंसी हार्मोन सो यू सी द इफेक्ट्स एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस कार्बन मोनॉक्साइड कंटेंट इन द ब्लड थ्री मोड्स ऑफ इनटेक स्मोकिंग स्नफिंग च्यूइंग ओके चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एल्कोहल एल्कोहॉल एक ऐसा डेंजरस लिक्विड है एक ऐसा डेंजरस लिक्विड है विच एफेक्ट ऑल द सिस्टम ऑफ योर बॉडी विच एफेक्ट ऑल द सिस्टम ऑफ योर बॉडी ओके निकोटिबैको हेज निकोटीन यस हा आत करेक्ट ठीक है तो सबसे पहले लेट्स सी इट्स इफेक्ट ऑन योर ब्रेन इट सप्रेसेज द सेरेब्रम एंड द सेरेबलम तो जो भी फंक्शन है सेरेब्रम का जैसे योर डिसीजन मेकिंग योर लॉजिकल थिंकिंग योर क्रिएटिविटी योर मोरल सेंसेस ये सारी चीजें गई तेल लेने तो आपने देखा होगा ना जो लोग पी के एकदम ऐसे वैसे घूम रहे होते हैं नशे में ना वो ढंग से बात करते हैं ना वो कोई डिसीजन ढंग से ले पाते हैं उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता एकदम बिल्कुल हर इमोशन हाईटेंड होता है ठीक है तो हाँ टल्ली होके बिल्कुल जो घूमते हैं देखा है ना उनको इट किस जर्म्स एंड सैनिटाइजर प्रतीक नहीं, <laughs> नहीं। हाँ। चलो ठीक है तो ये सेरेब्रम के इफेक्ट से सेरेबलम कंट्रोल्स योर पॉस्चर एंड इट मेंटेन्स योर बैलेंस तो सेरेबलम पे जब अल्कोहल का इफेक्ट होता है द पर्सन लूजेज मसल कोऑर्डिनेशन देर फोर वो ऐसे चलता है आप देख रहे हो ये वीडियो लुक एट दिस वीडियो डू यू सी दिस पर्सन इज ड्रंक द पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली वाई बिकॉज दल इज एफेक्टेड एंड द पर्सन लूज इज मसल कोऑर्डिनेशन एंड इस तरह की चाल को जहां पर वो सीधा चल नहीं पाता टेढ़ा मेढ़ा चलता है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड गेट ओके एल्कोहल इज वेरी बैड हा ठीक है एंड ऑल्सो हा मैम अल्कोहल कितने परसेंट सही बोलते हैं <laughs> बेटा अल्कोहल की कोई भी परसेंट सही नहीं है हाँ सैनिटाइज सैनिटाइज़ करने के लिए सेवेंटी परसेंट <laughs> बस उतना ही काम है जीवन में अल्कोहल का है ना हम्म मोरनी चाल नहीं है बेटा ये <laughs> हाँ माइकल जैक्सन हो जाता अरे क्या बोल रहे हो हाँ उसके अलावा बोलने में भी उसको दिक्कत होती है अगर आपने कभी सुना होगा रोड पे आते जाते ठीक है एंड ऑब्वियसली इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता तो हर इमोशंस एकदम हाइट है नेक्स्ट नेक्स्ट इट बैडली एफेक्ट द लिवर ओके इट कैन कॉज इट कैन कॉज फैटी लिवर फैटी लिवर मतलब फैटी लिवर मतलब द नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन द लिवर सेल्स इंक्रीज ओके the number of fat globules in the liver cells increase it can cause hepatitis where the liver cells are degenerating they are dying it can cause liver hepatic cirrhosis so in cirrhosis what happens the liver tissues they die right? and they are replaced by fibers so in cirrhosis fibers replace the dead टिश्यूज़ ये हो जाता है तो समझ रहे हो लिवर सेल्स नहीं है लिवर सेल्स आर रिप्लेस बाय फाइबर्स तो ऑब्वियसली लिवर का फंक्शन इफेक्ट होगा हाँ 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 हा अच्छा हा, हाँ हा, हा, मैंने कहा वो अलग हाँ होता है कई सारे सिरप्स में अल्कोहल यूज होता है बिकॉज इट यू नो गिव्स यू स्लीप इट गिव्स रिलैक्सेशन इसीलिए कुछ लोग इसकी इसका नशा शुरू करते हैं लेकिन भाई बहुत ही खतरनाक है अगर रुके नहीं तो okay hmm next it affects your stomach it co it increases increases so this is stomach increases hcl secretion and hcl secretion agar badhega it can lead to inflammation of gastric mucosa gastritis it can lead to अल्सर्स इन द स्टमक इट कैन लीड टू इट कैन ऑल्सो बर्न द इोफेजियल लाइनिंग लीडिंग टू ईसोफेजाइटिस इट ऑल्सो एफेक्ट्स योर एंडोक्राइन सिस्टम वेयर इन द एल्कोहल सप्रेस एडीएच रिलीज और एडीएच का फंक्शन मेरे को कौन बताएगा जल्दी से बताओ एडीएच एंटी डाय यूरेटिक हॉर्मोन का फंक्शन क्या होता है कितने लोगों को पता है हा कितने लोगों को पता है हु? क्या बोल रहे हो अनिल सोलांकी लिवर रीजनरेट करने का टाइम देगा बंदा तब तो करेगा ना पिए जा रहा है पिए जा रहा है पिए जा रहा है टाइम ही नहीं दे रहा भाई रीजनरेशन में टाइम तो लगता ही है ना प्रकट थोड़ी हो जाएगा हम्म वैसो डाइलेशन नो बेटा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेस करता है वैसो प्रेसिंग है प्रेस करता है उसके अलावा उसके अलावा इट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर रीअबॉर्बशन ऑफ वाटर रिड्यूज यूरिनेशन यस यस एग्जेक्टली सो अब क्या होगा अ पर्सन हु इज ड्रिंकिंग एल्कोहल उसके अंदर एडीएच का रिलीज कम हो जाएगा देयर बाय इट विलीड टू डाईसिस एंड डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली तो काफी लोगों को सुना होगा ना हैंग ओवर हैंग ओवर इज नथिंग एल्स बट डिहाइड्रेशन का इफेक्ट समझे जो हैंग ओवर कहते हैं मैम मैं कोई बैड हैबिट नहीं बट किसी च्यूइंग जैसी हैबिट चुराने के लिए क्या करना चाहिए अच्छा ऋषि वील टॉक अबाउट दैट ओके तो डिहाइड्रेशन जो ये हैंग है ये और कुछ नहीं है ये डिहाइड्रेशन का इफेक्ट है ओके इट ऑल्सो इंक्रीजेस कॉर्टिस विच सप्रेसिज वैसोप्रेसिज सेम थिंग एंड इट ऑल्सो सप्रेसिज द रिलीज ऑफ द मेजर थाइराइड हॉर्मोन्स टी थ्री एंड टी फोर तो आपको समझ आ रहा है अगर टी थ्री टी फोर रिलीज नहीं होंगे तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज हेम्पर्ड इराथ्रोपोएसिस नहीं होगी बिकॉज टी थ्री थायरॉक्सन ऑल्सो स्टिमुलेट्स इराथ्रोपोएसिस ओके okay? तो ये सारी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ेगा सो इट द एल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे हो किसी सिस्टम को नहीं छोड़ा है एल्कोहल ने इट ऑल्सो एफेक्ट्स योर मस्क्यूलर सिस्टम इट लीड्स टू एल्कोहलिक माओपैथी विच इज नथिंग बट पेनफुल स्वॉल मसल्स इन्फ्लमेशन इन द मसल्स ड्यू टू इट लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ एल्कोहलिक फैट इन द कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू हार्ट इट्स सेल्फ तो सोच रहे हो अगर कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हो गया एल्कोहलिक फैट का डिपॉजिशन हो गया बी एम आर भी डिस्टर्ब होगा एक्जैक्टली exactly, टी थ्री टी फोर से हाँ तो ये अगर आ, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया तो तुम्हारे हार्ट के टिश्यूज तक ही ब्लड नहीं पहुंचेगा how dangerous it can lead to heart attack it can lead to <laughs> 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 and obviously it decreases blood pressure that is how it starts increases sorry it increases blood pressure that is how it starts it also affects your skeletal system क्या नजर आ रहा है ये देखो ये मस्त एकदम बोन था लेकिन अल्कोहल के इफेक्ट में द कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इज लॉस्ट ओके द कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इज लॉस्ट एंड देयर बाय देयर आर पोर्स इन द बोन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑब्वियसली अ पर्सन विथ ऑस्टियोपोरोसिस हैज इंक्रीज चांसेज ऑफ फ्रैक्चर्स ओके हाउ इज एल्कोहलिक फैट डिफरेंट फ्रॉम अदर फैट मयूर देखो बाकी जब बाकी टाइम जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है नॉन ड्रंक नॉन ड्रिंकर तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स, ठीक है द काइंड ऑफ फूड द पर्सन इज बट एल्कोहल इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ फैट वैक्यूल्स ओके और आई कैन सी इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ हेपैटोसाइट सॉरी एडिपोसाइट्स ओके okay? तो फैट वैक्यूल और फैट सेल्स का नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली ज्यादा फैट स्टोर होगा इट एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होगा यू आर वेरी लेट ओके कुछ लोग हैबिट नहीं होते फिर भी उसे कैंसर क्यों होता है बेटा रूषि कैंसर पढ़ाया ना मैंने कैंसर के कितने सारे कारण है बताए ना वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन बेटा हाँ huh? hmm. बियर में भी अल्कोहल होता है बियर रम विस्की वोड का जो भी आपने सुना है मूवीज में और अपने आसपास बेटा सब में अल्कोहल होता है अल्कोहल परसेंटेज वेरीज ओके ब्रांडी नाउ, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का ये मतलब नहीं है फीटस <laughs> नशे कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है ओके वैष्णवी इफ दैट इज हाउ यू फील प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स दैट इज ऑल आई कैन से एक्चुअली मैम द रीजन फॉर लेट आर ओके या नो दैट परफ्यूम में अल्कोहल का परसेंटेज अलग होता है काफी परफ्यूम्स में होता है ओके रेड आर्यन आपने लगता है पढ़ा नहीं कल वाला हाँ सॉरी मंडे का लेक्चर हाँ मंडे ना हाँ मंडे का लेक्चर लगता है आपने सुना नहीं है भाई इनको आर्यन को बताओ सब लोग रेडबुल में कौन सा ड्रग होता है जल्दी से बताओ मैम ड्रग्स एंड एल्कोहल आर डिफरेंट ना ऑब्वियसली 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 भाई हाँ जल्दी से बताओ आर्यन कह रहे हैं कि मैम रेडबुल में भी एल्कोहल होता है भाई रेडबुल में क्या बताया था आपको क्या होता है जल्दी से बताओ जरा जनता बताया था ना लास्ट क्लास में Hmm? बताया था यार याद है मुझे आपको भी याद होना चाहिए जल्दी से बताओ क्विकली टेल मी क्या होता है रेड बुल में रेड बुल में कैफीन होता है यस दुर्गा करेक्ट इनोसिटोल ये कहां से आया कैफीन होता है हाँ रेडबुल क्या है इट्स एन एनर्जी एनर्जी ड्रिंक ठीक है कैफीन होता है तो इट कीप्स यू अवेक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ओके चलो तो देखो जी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फीटस नहीं <laughs> प्रेग्नेंट फीमेल ओके इफ प्रेग्नेंट फीमेल ड्रिंक्स अल्कोहल तो बेटा उस पर तो जो इफेक्ट होगा होगा उसके बच्चे पे भी इफेक्ट होगा ओके okay? hmm. So, how does it affect the child? There, the, there are facial abnormalities, like the child has a small head, microcephaly. the eye openings are really small nose is very short and also it's not matlab मतलब jo nose hai na wo itna utha hua nahi hota hai bilkul flat hota hai the upper lip is really thin the pinna cavity ear cavity is not correctly formed it, it there are defects in the formation of pinna cavity also hai na teeth जो hai वो बड़े छोटे छोटे से होंगे. enamel जो है वो properly नहीं बनेगा. and there are defects in the atria and ventricles of the heart also हाँ Uh, we'll drink, uh, we'll, we'll, yes, mama will drink alcohol and baby will face problems. Yes, Chipti Nak. Yes, correct, Anuj, Chipti Nak. Hmm. Uh Yes, Subhash, why not? <laughs> <laughs> Matlab, why did this question even come to your mind? <laughs> hmm? uh, no, Manika, it is not good at all. Not at all. Hmm. श्रिंकिंग ऑफ फीटर्स बेटा फीटर्स श्रिंक नहीं होगा उसका हेड ऑब्वियसली इट विल द कैपेसिटी चलो फैमिली एंड सोसाइटी पे भाई आप खुद ही सोचो आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा होगा जो रोज पी के आके हंगामा करे कैसी नजर से देखोगे यार क्या है यार रोज हंगामा करता है क्या चलता है इस फैमिली में ऐसे ऐसे करते हो ना वोल्डे मॉट बेटा मैंने सिर्फ सुना है मैम यहाँ तो इवनिंग में हाँ तो पिंटू ये कोई अच्छी बात नहीं है निसर्ग आपका बेटा मैंने आपका ही जवाब दिया कि यस इट विल इफेक्ट हाँ हा, फ्रूट बियर में अल्कोहल होता है <laughs> साइकिडेलिक ड्रग्स क्या है आयत प्लीज़ वॉच माय मंडे लेक्चर अगेन लिखा है वहाँ हाँ चलो जी हाँ जी खुद ही बताओ अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग दिल्ली में सर्दी है गर्मी है बरसात है स्नोफॉल हो रही है इज नॉट द पॉइंट द पॉइंट इज आप ये बताओ कि ये यस दुर्गा करेक्ट 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 ये बताओ कि अगर आपकी सोसाइटी में आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रोज नशे करके आता है आप उसको कैसी नजरों से देखते हो है ना कैसे नजरों से देखते हो ऑब्वियसली पिंटू साइनी मैंने ना लिस्ट नहीं बनाई है बेटा ठीक है नॉनसेंस क्रिएट होगा एग्जैक्टली नॉनसेंस क्रिएट होगा आप उसको गंदी नजरों से देखो क्या है यार रोज यही काम करता है रोज मतलब एक तो वो अपनी फैमिली पे भी होगा ठीक है हा हमारी नजरों से वाह जी वाह बुरी नजरों से लाइक यू यू जज द पर्सन है ना तो बेसिकली वो बंदा जो है वो फैमिली को टाइम नहीं देगा ऑल्सो पर्स बंदा बाय बंदा आई डू नॉट मीन अ गाय आई जस्ट मीन द पर्सन ठीक है तो ये मत समझना बंदा बोल रही हूं तो लड़कों की तरफ इशारा है नहीं ओके हम्म बीवी बच्चों को पीटेगा बहुत हाँ भाई कर भी सकता है एग्रेसिव बिहेवियर कर सकता है ठीक है और ऑल्सो एल्कोहल रिड्यूस सेक्शुअल डिजायर्स एंड फर्टिलिटी इट रिड्यूजेज सेक्शुअल डिजायर्स एंड फर्टिलिटी तो बेटा देख लो एल्कोहल ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी नहीं छोड़ा ठीक है बिल्कुल नहीं आर्यन ऐसा कभी नहीं होगा ऐसे जज नहीं करना चाहिए आयत लेकिन अगर रोज का वही हालत है तो, तो बेटा जज तो करेंगे ना हाँ हम्म ओके सो बेसिकली फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अच्छा आपको ये भी नहीं लगता है कि अगर उसके पास किसी दिन पैसे खत्म हो जाएंगे तो पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट स्टीलिंग और टेलिंग लाइज और मे बी समे वो इतने नशे में होगा किसी का खून वून कर दे ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ऐसा देखा है कि नहीं हाँ बताओ हम्म हम्म कर सकता है कि नहीं हाँ बेटा ने सर करती हैं और आज से नहीं हमेशा से करती हैं तो आजकल मत बोलो हमेशा से हमेशा से है ना चोरी करेगा हाँ उसके अलावा मारेगा पीटेगा बहुत ही एग्रेसिव बिहेव करेगा सो बैड फॉर द सोसाइटी है ना हम्म खून करेगा ऑफ कोर्स कर सकता है बिल्कुल कर सकता है है ना उसके अलावा देखो भैया ऐसे कहीं पे होमलेस पड़ा रहेगा दोस्तों से अच्छी नहीं बनेगी उसकी है ना द फ्रेंड्स आप खुद ही सोचो ना कि अगर हमारे कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो दिन भर ऐसे पड़े रहते हो हमें अच्छा लगेगा कितना इरिटेटिंग है ये सो द रिलेशनशिप विथ फैमिली फ्रेंड्स इज गॉन एंड ऑब्वियसली देखो भैया ड्रिंक एंड ड्राइव आपको पता ही है तो इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी इट इज नॉट गुड फॉर सच पर्सन टू बी ऑन आउटसाइड है ना हर बात पर लड़ता है यस yes, मेरे में मैंने अच्छा जी अच्छा आर्यन अच्छा तो देखो जी ड्रिंक एंड ड्राइव तो कतई नहीं करना चाहिए है ना देख रहे हो कहाँ चल रही है गाड़ी इसको खुद भी नहीं पता है hmm. <laughs> मैंने कहा आई कैंट से दैट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द ड्रग्स दैट यू हैव टू नो इफेक्ट्स ऑफ टोबैको द इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहॉल सो यू सी एल्कोहल जो है हर एक सिस्टम इन योर बॉडी को इफेक्ट करता है देखा ना तो अल्कोहल तो भैया बहुत ही घटिया चीज है बहुत ही घटिया चीज है बहुत ही ज्यादा है ना ऑब्वियसली ड्रग्स आर ऑल्सो नॉट गुड ओके तो होता क्या है आप लोग सुनते हो कि यार वो ना एक ड्रग अडिक्ट है लेकिन लेकिन आ, अच्छा ओके ऋषि हाँ आ, कौन है ये निसर्ग निसर्ग मैं बेटा बोलने की कोशिश करूं तो मैं सब बताऊंगी हम्म हाँ, तो क्या है देखो आ... बहुत ही बढ़िया साहिल बहुत ही बढ़िया ब्रेकअप के बाद यही तो रह गया था पढ़ाई लिखाई तो जीवन में रह नहीं गई है माँ बाप तो है नहीं जिनका आपको ख्याल रखना है हद बेकार जनरेशन हो रे तुम लोग हद बेकार जनरेशन हो रिप्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्शन द सेक्सुअल डिजायर्स डिक्रीज एंड फर्टिलिटी ऑल्सो रिड्यूसेज ओके सो देखो क्या होता है आप लोग सबसे ज्यादा ड्रग अब्यूज और एल्कोहल अब्यूज कौन करता है वो सारे लोग जो आपके एज ग्रुप में हैं इन द अडोलिसेंट पीरियड क्यों क्योंकि आपको लगता है यार मेरा वो दोस्त करता है यार मैंने घर में इन मामा जी को इन चाचा जी को देखा था यार ये सीनियर्स मैंने अपने स्कूल में देखे ऐसे करते हैं कितना कूल लगता है पिक्चर में देखा है वो हीरो ये हीरोइन देखा है ना तो आप लोग सोचते हो चल एक बार ट्राई किया जाए एक बार ट्राई करते हो एंड यू नो दैट सर्टेन ड्रग्स गिव यू द टेम्पररी फीलिंग ऑफ विलनेस वेलनेस ठीक है कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको लेने के बाद इंसान को बिल्कुल एक्सेसिव हैप्पी फील होता है यूफोरिया फील होता है ऐसे लगता है जीवन में सब कुछ कितना अच्छा है तो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है चलो इसके नशे किए जाएं सो व्हेन एनी ड्रग इज प्रेजेंट इन योर सिस्टम इन योर बॉडी सिस्टम विदाउट इट्स मेडिसिनल यूज दैट लेवल इज एडिक्शन ओके बेटा निसर्ग हैव नो no आइडिया सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ ड्रग और केमिकल इन द बॉडी अदर देन मेडिसिनल यूज इज एडिक्शन, इट योर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ओके मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था चालू गाड़ी पे दूसरे क्या ऋषि कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो बट वेन डज दिस अडिक्शन बिकम्स अ डिपेंडेंस तो होता क्या है होता क्या है आप पहले थोड़े थोड़े डोज से शुरू करते हो ओके सो द रिसेप्टर्स इन योर बॉडी रिसेप्टर्स इन योर बॉडी बिकम टॉलरेंट तो जब रिसेप्टर्स टॉलरेंट हो जाएंगे तब आपको ड्रग्स का इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा तो आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल अमाउंट है इससे क्यों नहीं हो रहा है तो बेटा इसीलिए नहीं हो रहा है इफेक्ट क्योंकि आपके रिसेप्टर्स टॉलरेंट हो गए हैं, उनके लिए उतना लेवल नॉर्मल है अब उनको चाहिए हाई लेवल सो आप क्या करोगे डोजेज इंक्रीज कर दोगे डोजेज इंक्रीज करोगे फिर धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम ट अगेन तो फिर से डोजेज बढ़ जाएगा तो ये साइकिल चलती रहती है बंदा अडिक्टेड हो जाता है है ना एंड गेम में अच्छा अच्छा है ना बुरे लोग जल्दी साफ हो जाएंगे इस प्रतीक ऐसा नहीं है <laughs> हाँ सो so, तो जब ऐसी इतने अमाउंट्स में कोई भी केमिकल या ड्रग किसी के ब्लड में प्रेजेंट हो जितना अमाउंट मेडिसिनल यूज से ज़्यादा हो बेसिकली ठीक है दैट इज एडिक्शन। अगर व्हाट इज डिपेंडेंस अगर आप किसी से अचानक से ड्रग या अल्कोहल छीन लोगे और उसको नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही अजीब से बिहेवियर शो करेगा वियर और दैट अनप्लेजेंट बिहेवियर इज विड्रॉल सिम्टम्स सो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिमटम्स इफ रेग्युलर डोज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहॉल इज अबरप्टली कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड सॉरी अगर देखो नशा मुक्ति केंद्र में क्या करते हैं धीरे धीरे करके नशा छुड़ाते हैं तो हमें कब पता चलेगा कि वो बंदा या बंदी डिपेंडेंट है ड्रग पे जैसे ही आप सपोज आपने एक दिन अचानक आपने देखा यार मेरा ये दोस्त तो गया तो आपने क्या किया एक दिन उसके घर गए सारे जगह से ड्रग्स और अल्कोहल छुपा लिए और छुपा लिए लेकिन उस बंदे को इतना ज्यादा एडिक्शन था कि अब उस बंदे के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लगे हैं वो ऐसा लेवल है जब आप कहोगे कि मेरा दोस्त डिपेंडेंट है इन केमिकल्स पे ओके मयंक कोई बात नहीं हम्म क्या हो गया नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है कृपया बताए बेटा बता दिया ओके सो वॉट काइंड ऑफ विड्रॉल वॉट आर वॉट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ विड्रॉल सिम्टम सो द पर्सन उसमें सीजर्स होंगे बेसिकली बिल्कुल इंटेंस uh, uh, मिर्गी जैसा बेसिकली मिर्गी देखा है मिर्गी देखा है सीजर्स मीन्स मीन्स यू नो वॉयेंट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स अब नॉर्मल सेंसेशंस Aches and pains in the body, detachment from reality, muscle spasm, anxiety, panic attack, depression, insomnia, nausea, tremors. Ye sab kuch ho sakta hai. Dependence in English, basically. Okay. Venki, see. Uh, if suppose you have a friend and you find that your, you come to know one day that your friend is addicted to drugs. Okay. That your friend is taking drugs and the person is addicted. So, just to help your friend out, what you do. यू गो टू दैट यू गो टू हिज और हर प्लेस एंड यू हाइड ऑल द ड्रग्स वेर एवर यू कैन फाइंड इट सो वैन द वैन द डोजेज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज अबरप्टली डिसकंटिन्यूड ठीक है सडनली डिसकंटिन्यूड द पर्सन विल मैनिफेस्ट दीज विड्रॉल सिम्टम्स एंड देन यू से द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन द ड्रग उसके बिना नहीं हो पाएगा एनजाइटी शेकीनेस नौशिया स्वेटिंग सब होगा ठीक है चलो लिख देती हूँ अरे वाइट है रुक जाओ <laughs> एंजाइटी स्वेटिंग नोजिया शेकीनेस देखा है ना हाथ ऐसे कांपता है ठीक है शेकीनेस ये सब होता है विद्रॉवल सिमटम में ट्रेमर्स वही हो गया मसल वही हो गया ठीक है hmm. तो भाई वॉट आर द रीजन दैट यू पीपल गेट इन टू सच हैबिट्स क्या रीजनस होते हैं मेरे को बताओ हाँ चलो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकते हैं

आपके एज के बच्चे आपके दोस्त यार फैमिली प्रॉब्लम्स यस अनसपोर्टिव फैमिली और हा पियर प्रेशर्स जी हां प्रतीक रीजन पढ़ना जरूरी है बिकॉज इस क्लास में मैं सिर्फ आपको पढ़ाने नहीं आती हूं मैं आपको अवेयर कराने आती हूँ बेटा कि क्या होगा इन चक्करों में पढ़ोगे तो है ना हाँ देखो तो सबसे पहला है क्यूरियोसिटी जो मैंने आपको बोला क्यूरियोसिटी यार क्या होता होगा चल ना ट्राई करके देखते यार एक यार थोड़ा सा थोड़ा सा यार थोड़ा सा है ना क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन एंड फिर आपको क्या पता चलता है अरे यार इसका तो इफेक्ट बिल्कुल ओ हो पता है आज से ज्यादा खुश मैं जीवन में कभी नहीं हुआ चल इसी को यूज करते हैं ब्रेकअप लो जीन ये ब्रेकअप से ऊपर ही ना उठ पा रहे हैं जीवन में इनके लड़की रह गई थी एक्सपेरिमेंटेशन uh, है ना दूसरा है स्ट्रेस ठीक है जब स्ट्रेस होता है तो लोग ऐसा ऐस, ऐसे चक्करों में पड़ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कितने सारे स्ट्रेस से एन्जाइटी हो सकती है मेंटल इलनेस हो सकता है ठीक है तो इन सब चक्करों से हटने के लिए मतलब एंटी एन्जाइटी ड्रग्स होते हैं पता है ना जैसे मैंने आपको बेंजो बताया था या बार्ब्यूचरेट्स बताया था वो क्या करते हैं वो काम करते हैं किसी किसी भी पर्सन के एन्जाइटी को कम करते हैं बट दे आर ड्रग्स के okay. hmm. उसके अलावा यू नो अरे यार कितना कूल cool लगेगा हाई फाई लगेगा है ना परसेप्शन दैट इट इज कूल बेवकूफों कहीं कूल cool नहीं है ये सब परसेप्शन दैट इट इज कूल अपार्ट फ्रॉम दैट दी ऑडियो विजुअल मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल दैट यू गाइज फॉल इन टू सच ट्रैप्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली पियर प्रेशर है ना पियर प्रेशर हाउ टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस हाउ टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस बेटा आय यू कैन यू नो लिसन टू अ गुड सॉन्ग आई मीन आई लिसन टू अ रियली फैन ऑफ ऑल सॉन्ग्स ओके आई रियली लव म्यूजिक सो आई लिसन टू समू नो लाउड गुड सॉन्ग्स और आई टॉक टू माई फ्रेंड्स और आई टॉक टू माई फैमिली दैट दिस सच एंड सच इज द प्रॉब्लम हैपनिंग तो ये सारी चीजें कर सकते हो यू नो तो ठीक है ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से आप इन चक्करों में पड़ जाते हो अगर आप इन चक्करों में पड़ गए या आपके भाई बहन या आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे या आपके या आपके आपके फ्रेंड्स इन चक्करों में पड़ गए हाउ हाउ अनदर पर्सन बी इट यू बी इट अस बी ईट टीचर्स बी इट एनी वन कैन कम टू नो कि भैया ये तो हाथ से गया ठीक है पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल और कॉलेज पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई में ध्यान कहाँ से लगेगा ठीक है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगेगा तो अकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी बेकार हाँ अनएक्सप्लेन्ड एबसेंस स्कूल अचानक से एक दिन स्कूल नहीं आ रहा है आपका दोस्त कॉलेज नहीं आ रहा है ना अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल घर में लगा कि स्कूल गया है लेकिन स्कूल तो पहुंचा ही नहीं भाई साहब है ना आ, चलो हाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं बहुत चीजें कर सकते हो ओके लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हाइजीन देख रहे हो कैसे से उठ के मतलब उनको कोई भी हाइजीन वाइजीन से लेना देना नहीं है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन नहाना धोना सब बंद ना ढंग के कपड़े पहन रहे हैं ना कुछ ओके लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज लॉस ऑफ आपके दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद था फोटोग्राफी पेंटिंग साइकिलिंग रनिंग बट अचानक से अगर इन चक्करों में पड़ गया और आपका दोस्त ये सब करना बंद कर दे दैट कैन बी अ साइन वार्निंग साइन है ना? उसके अलावा उसके अलावा यू कैन सी फाइट विथ फैमिलीज और यू कैन सी मतलब आई कैन कॉल दिस वॉट शुड आई कॉल दिस आई कैन कॉल दिस आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली ओके आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली ओके तो वो बच्चा हमेशा अकेला अकेला बैठेगा फैमिली से बात नहीं करेगा कुछ प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा ठीक है एग्रेसिव बिहेव करेगा कि क्या है क्यों मेरे कमरे में आ रहे हो बोला था ना बाहर रहो क्या तरीका है ये सब ये सारी चीजें है ना उसके अलावा रेकलेस बिहेवियर मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं वैंडलिज्म मीन्स तोड़ वायलेंस एग्रेसिव रूड ओके एंड ओवरडोज और एक्सेसिव डोज कैन लीड टू कोमा डेथ सेरेब्रल हीमेज ठीक है निकल भी सकता है दोस्त आपका तो बेटा इसीलिए क्या करना है आपको ये वार्निंग साइंस ध्यान में रखने हैं है ना ये एक डिजीज़ है क्या इसका सिम्टम है कौन नहीं बेटा ये डिजीज़ नहीं है ये वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसके साइंस हैं बेसिकली नॉट सिम्टम्स साइंस हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि शायद आपका दोस्त यार इन चक्करों में पड़ गया है ओके okay? तो प्रिकॉशन या कंट्रोल क्या वैंडलिज्म मीन्स तोड़फोड़ करेगा इधर उधर पब्लिक प्रॉपर्टी का प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओके okay? हाँ पियर प्रेशर मीन्स तबस्म की एकदम दोस्त यार सारे यार कर लेना कर लेना जो दोस्त यार एकदम प्रेशर बनाते हैं ना पियर मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल यू स्टे विथ ओके पार्ट वन का लिंक राम सेवक पार्ट वन का लिंक बेटा इफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गो प्रेप नीट ओके इफ यू सब्सक्राइब टू इट एंड इफ यू यू नो लुक फॉर माई वीडियोज़ यू माइट फाइंड इट यू विल फाइंड इट ओके Uh, दुर्गा एक साइंस से सिर्फ पता नहीं चलेगा कि आपका दोस्त ड्रग एडिक्ट है कि नहीं है मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम अब सिर्फ मुझे छींक आ रही है इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे को कोरोना हो गया है मेरे को फ्लू भी हो सकता है मेरे को जनरली छींक आ सकती है मेरे को कोई डस्ट पार्टिकल भी तो जा सकता है ना सिमिलरली हम्म साहिल क्या बोल रहे हो मैम स्टडी में ध्यान रखने का फॉर्मूला बता दो बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया तो अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिखे तो आप क्या कर सकते हो ठीक है या आपके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट डालना चाह रहा है तो हाउ कैन यू प्रिवेंट योर सेल्फ बाई सेंग नो ठीक है सो यू हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ पियर प्रेशर अवॉइड पियर प्रेशर ओके अरे नहीं हुआ है कोरोना क्या बकवास कर रहे हो आई एम मेकिंग यू अवेयर ओके अवेयर एंड एजुकेटिंग यू अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स सो देख रहे हो डू आई रियली अंडरस्टैंड वॉट आई एम गेटिंग इन टू यू हैव टू स्टॉप यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू कम बैक टू दिस क्लास वेर आई हैव टोल्ड यू द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ओके हाँ जी साहिल अलग ही लेवल पे है भाई अलग ही लेवल की बात करो भैया हमसे ना हो पाएगा साहिल हम से हम हम हाथ जोड़ रहे हैं हमसे ना हो पाएगा ठीक है हाँ ठीक है तो आपको पता आप नाउ दैट यू नो द हार्मुल इफेक्ट ऑब्वियसली यू शुड नॉट फॉल इन टू सच सच ट्रैप्स नो मैटर वॉट द सिचुएशन इन योर लाइफ इज ओके यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स ओके हेल्प सीक हेल्प सीक हेल्प फ्रॉम फैमिली पेरेंट्स अब फैमिली में ऐसा नहीं है बोलोगे मैम फैमिली और पेरेंट्स तो सेम है नहीं जी आपका भाई बहन या आपके चाचा चाची या एनी इन योर फैमिली पेरेंट्स और गुड फ्रेंड्स ओके गुड फ्रेंड्स वैसे ही फ्रेंड्स के पास जाओगे जि, जिसको खुद ही लत लगी है तो वो और क्या हेल्प करेगा आपकी हाँ यू कैन यू नो लुक आउट फॉर योर फ्रेंड ओके सीक यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और सच काइंड ऑफ इफेक्ट्स इन योर फ्रेंड ओके एंड यू कैन एंड पर्सन कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प ठीक है द पर्सन कैन ऑल्सो सीक प्रोफेशनल हेल्प तो वही नशामुक्ति केंद्र है ना लव व नहीं होता स्टडी क्या करो एक्जैक्टली सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स या वाय नॉट ठीक है अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे को नशे मतलब आदत होते जा रही है सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल तो यू नो एंड आई नो मेरे को आई कॉन्शियसली आई एम अवेयर क्योंकि मुझे पता है मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया है पढ़ा है तो मुझे पता है इट इज़ नॉट गुड तो मैं क्या करूंगी कि अगर मुझसे खुद नहीं हो पा रहा है तो मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ अगर मेरे कोई पियर्स से हेल्प नहीं कर सकता तो मैं प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हूँ है ना तो ये करना पड़ेगा करना पड़ेगा ओके okay? क्या हो गया आ, क्या म, मयंक ये तो बेटा ये आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसपे मैं कमेंट ही नहीं कर सकती हाँ हाँ जी प्यार व्यार सब धोखा है पढ़ लो बेटा मौका है एग्जैक्टली exactly. नहीं तो बेटा नीट 2021 2022 फिर बेटा बुढ़ापा निकल जाएगा मेडिकल ना निकलेगा समझे <laughs> तो भी देखो नाउ यू नो हाँ खाने पे पैसा खर्च करो घूमने पे करो अगर है तो अभी तो तुम्हारे पास पैसा भी नहीं होगा क्या बकवास कर रहे हो माँ बाप के पैसे पे इतना ऐश नहीं करते हैं पहले खुद कमाना सीखो फिर जितनी याशी और ऐश करना है करना जितना घूमना है वो करो गुड फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बेटा <laughs> हाँ निसर्ग क्या इग्नोर कर दिया भाई क्या इग्नोर कर दिया कुछ तो इग्नोर नहीं किया हम्म hmm. हाँ ah, मैम लोग प्यार में जान देते हैं ऐसा आर्यन व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपेड क्वेश्चन इज दिस आई हैव नो क्लू बेटा कि लोग प्यार में जान क्यों दे रहे हैं क्यों वो पागल हुए हैं क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि जीवन में एक ही इंसान मिलेगा और उसके अलावा जीवन में माँ बाप तो थे नहीं जैसे बेवकूफ घटिया लोग हाँ नहीं तो खैर निसर्ग क्या पूछ रहे हो एनी वंश देखो जरूरी नहीं है कि अगर वो फ्रेंड हमेशा अकेला रहना पसंद करता है तो वो ड्रग एडिक्ट हो ये भी हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट हो अगर उसमें बाकी साइंस दिख रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया तब बात आगे बढ़ाओ ओके आ, ड्रग अल्कोहल टोबैको आर निकोटिनस बेटा टोबैको में निकोटीन है बेटा ड्रग्स के कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको मंडे को बताए अल्कोहल में अल्कोहलिक ग्रुप है है ना सिंपल तो भैया आपको क्या करना है फर्स्टली अगेन आई एम रिपीटिंग आई विल सी यू एट नाइन पी एम ऑन फ्राइडे तो बेटा चैप्टर खत्म हो गया है मेंटी क्विज के साथ ओके एंड मेंटी क्विज के साथ ठीक है हाँ हाँ मयंक ठीक है यार क्या करें बच्चे हैं करेंगे बेकार बातें है ना कैसे प्रिपेयर करें निसर्ग वीडियोस देख लो और क्या करोगे एनसीआरटी पढ़ लो सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज गिव इट अ लॉट ऑफ लॉट मेनी थम्स अप सब्सक्राइब टू आर गोप्रेप नीट चैनल हिट द बेल आइकन ताकि जो लोग अभी तक हिट जिन्होंने अभी तक बेल आइकन हिट नहीं किया बेटा अगर नहीं करोगे तो यू विल मिस विडियोज सो गायस थैंक यू एंड 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 आई विल हाँ जी दुर्गा अब से क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर दी जाएगी है ना खत्म हो गया जी चलो गुड नाइट बाय बाय गाय सी यू ऑन फ्राइडे ओके एनसीआरटी बेटा उतना ही होता है व्हाट इज द टॉपिक फॉर क्विज बेटा चैप्टर खत्म हो गया ूमन हेल्थ एंड डिजीजेज ओके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चलो जी हाँ दुर्गा क्लास खत्म चलो टाटा बाय बाय गुड नाइट ऑल दी बेस्ट कुछ भी हो जाए जीवन में ड्रग्स एंड एल्कोहल के एफेक्ट में नहीं आना है अच्छा फ्राइडे को मुझे कौन बताएगा फ्राइडे को अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं बिफोर आई वाइंड अप मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं और आप मुझे ये ढूंढ के बताओगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में ये ढूंढ के बताओगे कि भाई क्या कि ये वर्ल्ड एंटी ड्रग डे कब होता है वर्ल्ड एंटी ड्रग डे किसी दिन तो होता है किस दिन होता है आप बताना वर्ल्ड एंटी ड्रग डे किस दिन होता है बताना चलो बाय बाय सी यू गुड नाइट ऑल द बेस्ट